हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए इटली में फंसे हुए जो 263 भारतीय हैं वो लौट आए हैं। रोम से 263 भारतीय यात्री छात्र जो हैं वो लौट आए, एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट से उनको लाया गया है। अब इनकी स्क्रीनिंग होगी, अब इनका चेकअप होगा, उसके बाद मुझे लगता है इनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। जैसे छावला के ITBP में रखा गया कैंप में उन लोगों को, ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है 263 इन भारतीयों को पहले इनका चेकअप किया जाएगा, उसके बाद क्वारंटीन में ही रहने वाले हैं। मेरे सहयोगी प्रणय जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, आई रिमेम्बर रात को आपने ट्वीट करके ये कहा था कि आप स्टूडियो में रहेंगी और हम रिपोर्टिंग करते हुए सड़कों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड जीरो को परखते जांचते। इस बीच आप ही ने ये बड़ी खबर दी है, क्या है ये मसला, क्या है? 263 छात्र हैं, ले आए गए हैं, हवा दे। जी हाँ रूबिका, ये इस समय कब करीब अब से थोड़ी देर पहले 9:16 पे एयर इंडिया की जो स्पेशल फ्लाइट रोम गई थी इन लोगों को लेने के लिए, भारतीय छात्रों को जो कि वहां फंसे थे, बहुत सारे लोग जो भारतीय थे वो वहां पे फंसे हुए थे, उन्हें लेकर ये फ्लाइट आई है 9:16 पे दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये लैंड हुई है। और इस समय उसे आइसोलेटेड बे में रखा गया है, जैसा आप कह रही थी कि आपको लगता है कि उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा, उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, बिल्कुल सही लगता है आपको, क्योंकि इटली और ईरान इन दो मुल्कों से आने वाले लोगों को एसेंशियली क्वारंटीन में रखा जा रहा है, क्योंकि ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं। और आपको तो पता ही होगा, इटली में बीते 24 घंटों के दौरान जो हुआ है वो अपने आप में किसी एपिडेमिक के लिहाज से काफी चौंकाने वाला है। इस समय में 700 से ज्यादा लोगों का किसी एक बीमारी के कारण 24 घंटे के अंदर मर जाना अपने आप में रिकॉर्ड है। और इस हालात के मद्देनजर भारत सरकार इन लोगों को लेके आई है। और अगर आप देखें तो चीन के वुहान से लेके रोम तक भारतीय जहां भी फंसे हुए थे उन्हें लाने की कोशिश हुई है। ऐसी जगहों पे जहां पे ट्रैफिक बंद हो चुका था, सामान्य आवाजाही नहीं थी, वहां भारत सरकार ने विशेष जहाज भेजकर इन लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला है। अब इन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा और उसके बाद इन्हें जब कोविड नेगेटिव ये हो जाएंगे, ये टेस्ट हो जाएगा कि इनमें कोई भी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है, तो ये फिर अपने घर जा सकेंगे। इस बीच प्रणय, पीछे आपके साउथ और नॉर्थ ब्लॉक मुझे दिख रहा है, राष्ट्रपति भवन मुझे दिखाई दे रहा है, आवाजाही कैसी है वहां पर भी, लोग पालन कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सरकारी कर्मचारी वहां पर भी इम्पोर्टेंट टास्क के लिए तो मौजूद होंगे ही। देखिए रूबिका, रविवार का दिन, दिल्ली का अगर ये कोई आम रविवार होता तो इस समय आपको इस सड़क के ऊपर जो है, चूंकि यहाँ सरकारी दफ्तर होते हैं, जो बाकी के दिन होते हैं कामकाजी दिन, वहां तो यहाँ सरकारी आवाजाही ज्यादा होती है लोगों की, लेकिन रविवार के दिन खासतौर पर यहाँ पे पर्यटक बहुत सारे होते हैं, किसी आम रविवार को बच्चे खेलते नजर आएंगे, लोग साइकिलिंग करते नजर आते हैं, पब्लिक स्पेस की तरह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो राजपथ है, ये राजपथ आज जनता कर्फ्यू पथ नजर आ रहा है। यहां से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अगर आप देखें तो इक्का दुक्का लोगों के अलावा और पुलिसकर्मियों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। और यहां से लेकर राजपथ तक मैं जो देख पा रहा हूं उसमें कुछ एक लोगों के अलावा या एक आध पुलिस वाहन के अलावा कोई जो है नजर नहीं आ रहा है। ये अपने आप में बताता है कि भारत के संकल्प की ताकत क्या है, जिस तरीके से लोगों ने आज इसे एडहेयर किया है, ये तस्वीरें आ गई है। प्रणय, मुझे नहीं पता आप वो तस्वीरें तो नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन जो खबर आपने बताई है वो तस्वीरें आ गई है। रोम से 263 भारतीय छात्र लेकर विमान जो है वो भारत पहुंच चुका है। जनता कर्फ्यू के बीच ये एक बड़ी खबर है, आपको ये जाननी चाहिए। बसेस वहां पर पहुंच रही हैं, उनको बहुत ख्याल रखते हुए इन बसेस में लाया जाएगा और उसके बाद उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा, पहले उसके उनका टेस्ट होगा। लेकिन ये देखिए हंसते मुस्कुराते चेहरे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने इस बात का ख्याल रखा है कि मुल्क का कोई भी बच्चा कहीं भी हो उसे महफूज इस धरती पर लेकर आना है। और खासकर तब जब इटली, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, वो भी तब जब लगातार वहां पर एक के बाद एक मौत। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10:00।